यूपी गेस्ट हाउस कांड, शायद आप सबको उसकी इनसाइड स्टोरी ना पता हो। वो एक ऐसा कांड था जिसके बाद से मायावती ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। वो आज तक भी आपको सूट पहने हुए ही नजर आएंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उस गेस्ट हाउस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मायावती ने साड़ी पहनना छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। बात है 1992 की, जिस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कोहराम सा मचा हुआ था। हर कोई सरकार की आलोचना कर रहा था। वो वक्त ऐसा था जब राजनीतिक जो है सभी जो भी राजनीतिक दल थे उनमें खलबली सी मच गई थी। 1993 में होने थे चुनाव। किसी की भी पूर्ण बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है। उस वक्त होता है दो बड़े राजनीतिक दलों का गठबंधन। एक तरफ होती है बीएसपी और दूसरी तरफ होती है समाजवादी पार्टी। दोनों का गठबंधन होना होता है 1993 में। हालांकि ये एक मजबूरी का गठबंधन होता है, लेकिन फिर भी सरकार उस वक्त बन जाती है और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो जाते हैं। उस वक्त सपा के जो है वो कुछ 100 MLAs होते हैं और वहीं जो है बीएसपी के कुछ 67-68 MLAs होते हैं। तो इनकी जो है सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में 1993 में। लेकिन हर कोई यही अनुमान लगा रहा होता है कि ये सरकार जो है वो ज़्यादा जो है टाइम तक नहीं टिकेगी, जल्द ही दोनों पार्टी अलग हो जाएंगी। दो तीन साल तो ठीक ठाक गुजर जाते हैं, लेकिन 1995 वो वक्त आता है जब दोनों पार्टी के बीच दरार आना शुरू हो जाती है। लोगों की बातें जो लोग अनुमान लगा रहे थे वो सच होने लगती हैं। 1995 का वक्त आता है, मायावती जो है वो अपना समर्थक वापस लेने की बात करती हैं। ये बात कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के कानों में पहुंच जाती है। इधर जो है मायावती जाती हैं दिल्ली, क्योंकि बीजेपी उनको समर्थन कर रही होती है। पूरी प्लानिंग की तैयारी दिल्ली में हो चुकी होती है। अच्छा, अब दिल्ली से मायावती जो है वो लखनऊ वापस आती हैं दो लेटर लेकर। एक लेटर होता है जिसमें वो सपा से जो है अपना समर्थन वापस ले रही होती हैं, और दूसरा लेटर होता है जिसमें वो बता रही होती है कि बीजेपी उनको समर्थन दे रही है और अब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। मुलायम सिंह को जो है ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। सपा खेमे में यहाँ पर उथल पुथल मच जाती है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है, मुलायम सिंह जो है अब मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे, अब मायावती जो है पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होने वाली है। तो ये बात किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उसके हाथ से पावर जाने वाली है। इधर मायावती जो है लखनऊ आती हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर सारे नेता मंत्री ठहरते हैं वो भी वहाँ पर रुक जाती हैं। मायावती जब अच्छा उस टाइम सत्ता में तो होती ही हैं, तो इतनी तो उनकी पावर होती है, वो वहाँ पर रुकती हैं। इधर सपा खेमे में जो है हड़कंप मचा होता है। वो चाहते हैं कैसे ना कैसे हम बीएसपी से जो है वो कुछ जो है विधायक तोड़ लें ताकि बीजेपी उनको समर्थन भी करे तब भी उनकी सरकार ना बने। 12 जो है विधायक तोड़ने में सपा कामयाब भी हो जाती है और बाकियों में भी सेंध लगाने के लिए वो भी गेस्ट हाउस पहुंच जाती है। मायावती के साथ उस वक्त जो है बीएसपी के तमामों जो विधायक होते हैं वो वहां पर ठहरे होते हैं। और अब सपा उस टाइम पावर में होती है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते हैं, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का होता है। सपा की जो दबंगई है वो उस दिन यूपी गेस्ट हाउस में जो है वो देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो गेस्ट हाउस होता है उसमें देखने को मिलती है। सपा के सारे कार्यकर्ता विधायक पहुंच जाते हैं और हमला बोल देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के उस गेस्ट हाउस में। वो जो है बीएसपी के जो विधायक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। विधायकों को पीटा जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं। इसी के शिकार मायावती भी हो जाती हैं। मायावती के जो है कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन पर हाथ उठाया जाता है, उनको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। इन सब चीज़ों से जैसे तैसे बचकर मायावती जो है वो गेस्ट हाउस के एक रूम में उनको जो है शिफ्ट किया जाता है। वो वहाँ पर उनको कहा जाता है कि आप अंदर से जो है बंद कर लीजिए इस कमरे को। फिर भी मायावती का जो है वो दरवाज़ा तेज़ी से पीटा जाता है। सपा के जो विधायक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो तेज़ी से पीट रहे होते हैं जो है दरवाजे को। अब उनको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा टूट जाए, तो वो सोफ़ा वगैरह लगा देती हैं। ये सारी कहानी जो है बताई गई है। और उस वक्त
अब आप भी सोच रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा होता है, तो बहुत ही जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन जो है उस वक्त मुलायम सिंह का होता है, तो वो सब कुछ सबको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल ही नहीं, जो वहाँ पर जो DSP होते हैं, बताया जाता है कि वो उस वक्त आराम से जो है वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं बैठ के, अंदर ये सारा कांड चल रहा होता है और वो इस तरीके से बैठे होते हैं कि मानिए कुछ हुआ ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक महिला जो है मंत्री की, एक जो है उत्तर प्रदेश की होने वाली मुख्यमंत्री के साथ जो है इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, अंदर ये सारी घटना हो रही है, बाहर जो DSP बैठे हैं उनको सब कुछ पता है लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। फिर जो उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट हाउस है, बताया जाता है कि वो हज़रतगंज थाना क्षेत्र में आता है, तो हज़रतगंज के जो है बताया जाता है जो SP हैं दोनों, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, वो पुलिस फोर्स लेकर UP के स्टेट गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में जो है पहुंच जाते हैं। जब वो जाते हैं तो मीडिया को भी खबर लग जाती है। अब मीडिया को खबर लग गई तो यानी कि आप जो कर रहे हैं वो सारा कुछ जो है वो जनता के सामने आ जाएगा। सारा मीडिया जो है वो उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के उस गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच जाता है और बताया जाता है कि मीडिया ने बड़ा ही अहम किरदार निभाया था मायावती की जान बचाने के लिए। तो जो भी मीडिया है वो पहुंच जाता है वहां पर और सपा कार्यकर्ता और सपा विधायक जो हरकतें कर रहे होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है और उनको अंदर जाने से रोकता है ताकि जो भी BSP के विधायक हैं, मायावती हैं, उनको बचाया जा सके। ये सारा मामला चलता है और जैसे तैसे मीडिया की मदद से, पुलिस की मदद से जो है मायावती को बचा लिया जाता है। मायावती बहुत घबराई हुई होती है, उनकी कुछ वो इतनी मैच्योर भी नहीं होती हैं, अकेली होती हैं, तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उनको बताया जाता है कि मैडम अब सबको शांत हो चुका है, आप बाहर आ सकती हैं। मायावती ये बात फिर भी नहीं मानती हैं। फिर जो उनके जान पहचान के लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, वो जब मायावती से कहते हैं तब मायावती दरवाज़ा खोलती हैं। कहा जाता है इस स्टोरी के पीछे कि अगर मीडिया और हज़रतगंज के SP थोड़ा सा जो है उस वक्त आगे ना आते और खड़े ना होते मायावती के लिए, तो शायद आज मायावती हमारे बीच होती भी ना। ऐसे ही एक जो है वाक्या और हुआ है मायावती के साथ। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी, ये ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी और बताया जाता है कि मायावती को जो है वो काजू बहुत पसंद है, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजू और ये नट्स वगैरह ज़रूर होते हैं। तो मीडिया कर्मी बैठे होते हैं वहाँ पर, नट्स वगैरह वो खा रहे होते हैं, मायावती आती हैं और कोई पत्रकार उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछ देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा उखड़ जाती हैं। वो उनसे कहने लगती हैं कि तुम्हारी क्या औकात है और तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाले, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगती हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार होते हैं वो मायावती को याद दिलाते हैं कि यही वो पत्रकार हैं जिनकी वजह से आज आप हमारे सामने बैठी हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रही हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकार भी होते हैं जो बताते हैं कि जो भी गेस्ट हाउस वाला जो स्कैंडल हुआ था मायावती के साथ, वो उस वक्त जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो है गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़े थे। तो इस तरीके से मायावती के जीवन की ये सबसे जो है दर्दनाक घटना थी और मायावती आज भी शायद इस घटना से उभर ना पाई, इसलिए वो सपा के साथ वो कनेक्शन नहीं बना पाई, वो दिल से नहीं जुड़ पाई। आपको मायावती की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी पॉलिटिकल स्टोरीज हम आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।